डीआरडीओ को मिली है बड़ी सफलता। एंटी सबमरीन मिसाइल के सफल टेस्ट को लेकर यह खबर है और उड़ीसा के बालासोर में सुपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट को लेकर यह खबर है। टॉर्पेडो यानी स्मार्ट का टेस्ट हुआ है और स्मार्ट अगली पीढ़ी की मिसाइल है, जो कि आपको बता दें कि लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम के तहत यह खबर इंपॉर्टेंट है। भारतीय नेवी की समंदर में दुश्मन पनडुब्बी को तबाह करने की यह क्षमता जिस तरीके से बढ़ेगी, कैनिस्टर आधारित मिसाइल प्रणाली ये है और मिसाइल को ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना जो टेस्ट किए हैं, इंडिया ऑब्वियसली याद रखें कि ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, ठीक है जी। तो इसमें ये जहन में रखें, अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख ले वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है। एयर टू सर्फेस एंड देन सर्फेस टू सी एंड एंटी टैंक मिसाइल्स भी होते हैं। तो अब ये सूरत हाल है उस इंडिया की जो एक दिन पहले एक दिन बाद हमसे आज़ाद होता है, और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है सियासी तौर पर, आइनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, माशी तौर पर, समाजी तौर पर। क्या इसरो के साइंटिस्ट कोई मोदी जी नए साइंटिस्ट लेकर आए? आप कुछ सोचेंगे जो चंद्रयान है और ये फलाना इतने रॉकेट जा रहे हैं, अभी गगनयान की कोई बात कर रहा है कोई, ये मतलब आदित्य L1 और सो मेनी सक्सेसफुल मिशन चंद्रयान 1, 2, 3 थर्ड लैंडेड ऑन द मून साउथ पोल, ये तो 25-30 साल से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, 25-30 साल से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ क्या इस सरकार में कि अब सारी की सारी चीज इतनी सक्सेसफुल हो रही है, एक एक साथ 100-100 सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, दे लॉन्च वन मोर देन 100 सैटेलाइट्स इन वन रॉकेट, ये हुआ कैसे? ये जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई डिफेंस रिलेटेड, हालांकि उतनी हाईलाइट नहीं बनी क्योंकि ये जल सेना से रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर दोस्तों। भारत के डीआरडीओ ने एक स्मार्ट टॉर्पीडो सिस्टम डेवलप किया है। ये टॉर्पीडो सिस्टम दोस्तों इतना घातक है कि किसी भी सबमरीन को थल से ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। दोस्तों भारत के पास जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसमें सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए भारत की जो सबमरीन थी वही जल के अंदर से ही मिसाइल लॉन्च कर देती, या भारत के जो वॉरशिप थे वो जल से ही मिसाइल लॉन्च करते थे तभी सबमरीन को निपटाया जा सकता था। इट मींस कि अगर मौके पर भारत के पास कोई जल में रहने वाली सबमरीन या वॉरशिप नहीं है तो हम उस सबमरीन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे दुश्मन के। लेकिन दोस्तों अब ऐसी स्मार्ट सिस्टम, SMART नाम है उसका, फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी सिस्टम भारत ने डेवलप की है कि वो टॉर्पीडो स्थल से ही, यानी हम जमीन से ही मिसाइल जाएगी और किसी भी दुश्मन देश के पनडुब्बी को तबाह बर्बाद कर देगी, और इसकी रेंज अच्छी खासी है, 500 किलोमीटर से ज्यादा है और कई एक्सपर्ट्स तो दावा कर रहे हैं 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा। वैसे जो भारतीय डीआरडीओ का कहना है कि ये 750 किलोमीटर तक सक्षम है किसी भी तरीके के पनडुब्बी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसी भी तरीके से वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी लीथल है। आप लोग इसके बारे में और जानकारी भी सोशल मीडिया से जुटा सकते हैं। इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तो एक टारगेट है ही है, लेकिन असल इंडिया का अब जो टारगेट है चाइना है। लेकिन याद रखें बहुत दफ़ा जब ममालिक ऐसे टेस्ट करती हैं दे आर नॉट जस्ट डन फॉर अ टारगेट, दे आर जस्ट डन फॉर द प्रेस्टीज। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो कि जो यू नो व्हेन कंट्रीज गो फॉर न्यूक्लियर प्रोग्राम, सो व्हाई दे गो फॉर न्यूक्लियर प्रोग्राम, देर इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन। एवरी कंट्री हैज़ इज ओन स्ट्रेटेजिक कल्चर and in that strategic culture they basically decide that why we need to have this nuclear program, because with the nuclear program and the missile program India be under sanctions rahe, Pakistan under sanctions rahe, Iran aaj under sanctions hai, North Korea under sanctions hai, ye sare mamalik sanctions hai, so this basically aap mera masters nuclear non proliferation mein, so I have read all that in very much detail ki ye basically why states go nuclear। तो इसके ऊपर स्कॉट डी सेगन और बहुत सारे जो थेरिस्ट हैं जिन्होंने बड़ा काम किया हुआ है जस्ट टू फाइंड आउट द रीजंस दैट व्हाई पीपल गो न्यूक्लियर, सॉरी व्हाई स्टेट्स गो न्यूक्लियर। सो ये जो ये होता है इस इज ऑलवेज सम टाइम अ प्रेस्टीज। सो इंडिया डज हैव क्रेडिबल थ्रेट्स एंड एक हम टर्म बोलते हैं ना सिक्योरिटी डायलमा। सो कभी कभी मुझे याद आता है कि ये जो सिक्योर व्हेन आई एम टीचिंग इन क्लास तो हम व्हाइट बोर्ड यूज़ करते हैं। सो जो सिक्योरिटी डायलमा जो है
ठीक है, व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर, सो दिस इज सो सिंपल, ठीक है जी। सो इंडियंस जो हैं वो समझते हैं कि चाइना इज सो सिक्योर दैट इट मेक्स अस इनसिक्योर, एंड सिमिलरली पाकिस्तान सेज दैट इंडिया इज सो सिक्योर दैट इट मेक्स पाकिस्तान इनसिक्योर। So and then India, Chinese are worried that India with the support of the Western world is getting so much secure in terms of aapne military hardware ki baat karein, bahut sari aisi cheezon ki baat karein, so that is why wo kehte hain ki hame to in cheezon ko dekhna hai, so basically it's sometime a matter of prestige. So remember ye jo securitization hoti hai, theek hai ji, securitization is all about आपकी जो उसकी एक दो एनवायरनमेंट होता है उस हवाले से भी, और दूसरा आपने देखना होता है कि अब इसके हमें क्या फायदे लेने हैं। क्या इसरो के साइंटिस्ट कोई मोदी जी नए साइंटिस्ट लेकर आए? आप कुछ सोचिए, जो चंद्रयान है और ये फलाना, इतने रॉकेट जा रहे हैं अभी, गगनयान की कोई बात कर रहा है कोई, ये मतलब आदित्य एलवान और सो मेनी सक्सेसफुल मिशन, चंद्रयान 1, 2, 3, थर्ड लैंडेड ऑन द मून साउथ पोल, ये तो 25-30 साल से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, 25-30 साल से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ क्या इस सरकार में कि अब सारी की सारी चीजें इतनी सक्सेसफुल हो रही हैं? एक एक साथ 100-100 सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, दे लॉन्च वन मोर देन 100 सैटेलाइट इन वन रॉकेट, ये हुआ कैसे? ये वही है ये लोग, ये कोई डॉक्टर सिवन थे वो वही डॉक्टर सिवन है, ये डॉक्टर सोमनाथ है वही डॉक्टर सोमनाथ है, कोई अलग नहीं है इसमें, कोई बाहर से कोई विदेश से इंपोर्ट करा है, ये वही डॉक्टर्स हैं भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, जिनको नासा उनको बुलाती है, बोलती है डॉक्टर सेवन या डॉक्टर संतोष को कि भाई तुम बैठो पहले बताओ ये करते कैसे हो, हमें भी समझा दो जरा, ये इतने कम पैसे में इतना एक्सलेंट वर्क तुम लोग कर कैसे लेते हो, कि टचवुड तुम्हारी फेलियर की रेट बहुत कम है, तुम यार धनाधन या रॉकेट भेजे जा रहे हो, सैटेलाइट भेजे जा रहे हो, कभी मून मिशन कभी सन मिशन कभी फलाना, ये करते कैसे हो तुम लोग? दी अमेरिकन वॉन्ट टू नो, द यूरोपियंस वॉन्ट टू नो, एवरीबडी wants to know, ये करते कैसे? दोस्तों कुछ बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि इनकी बीड़ियां खोल दी गई हैं और कोई बात नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हटा दी, टैलेंटेड पहले भी थे ये, इनका बजट बढ़ा दिया, इनकी ब्यूरोक्रेसी हटा दी, इनको बोला प्रधानमंत्री जी ने कि जी मुझे ये चाहिए, क्या आप कर सकते हैं? उन्होंने बोला सर आपका हुक्म श्रीमान, काम हो जाएगा, बढ़िया काम होगा, कम बजट में होगा, एक्सलेंट काम होगा, दुनिया देख के ताली बजाएगी, भारत का जो झंडा है ना वो चांद पे लहराएगा, अब आप बताइए क्या करना? बोला डन, कोई दिक्कत होगी मुझे फोन करना। बीच में से पूरी लाल फीता शाही जो है वो काट के जला दी मोदी जी ने, ये वही है और कोई स्टोरी नहीं है दोस्तों। यही काम आज से 30-35-40-50 साल पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ हो जाता ना, मैं आपको बता रहा हूं आज भारत को ये रफेल वफेल ये सब कोई इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, अगर एचएएल वेचएल का ये सब हट जाता पहले, भारत को इंपोर्ट थोड़ा ना करना पड़ता, ये सब भारत खुद बनाता, भारत खुद बनाता। अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक बहुत गंदे साइकिल में चले गए थे पहले, बहुत गंदे साइकिल में, अब उससे बाहर निकल चुके हैं हम लोग, सो दैट इज अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन। और एचएएल ने ये ट्वीट कराया है, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो तेजस बनाते हैं वो लोग, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ ओवर 29,810 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड इन मार्च 31, 2024 एज अगेंस्ट 26,928, यानी कि 3,000 करोड़ ज्यादा बिजनेस करा है इस साल, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बनस्पत इस साल, सो देर इज अ डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ 3,000 करोड़ इन देयर टॉप लाइन, रजिस्टरिंग अ डबल डिजिटल ग्रोथ ऑफ 11% एज अगेंस्ट 9% इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों अब आप ये सोचो कि डिस्पाइट द मेजर सप्लाई चेन चैलेंजेस बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल इश्यूज, एचएएल कहता है कि ऑर्डर बुक जो हमारी है, यानी कि हमें कितने के ऑर्डर है आपको पता है? 94,000 करोड़ के ऑर्डर है भाई साहब, 94,000 करोड़ के ऑर्डर है। ये कौन, ये फिर मैं बात पूछ रहा हूं ना, ये हैं कौन, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वाले? ये क्या 2014 में जब मोदी जी मंत्री बने थे प्रधानमंत्री, तब ये मोदी जी ने भर्ती करा था इनको? नहीं, ये वही हैं, ये वही लोग हैं।